हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन डायरेक्टर जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं इस नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक लेकर आए हैं, बहुत ही कॉमन सवाल है कि प्रेगनेंसी में आखिर गोरा बच्चा कैसे पैदा किया जाए। कई लोगों के दिमाग में ये सवाल होता है कि हमारे बच्चे का रंग कैसा होगा और हम बच्चे का रंग कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, यानी कि गोरा बच्चा कैसे पैदा कर सकते हैं, बच्चे का रंग गोरा कैसे किया जाए। अब सवाल ये आता है कि गोरा बच्चा कैसे होगा। तो गोरा होने के लिए अपने को ये समझना पड़ेगा कि अपनी जो स्किन का टोन है वो कैसे डिसाइड होता है। कि बेसिकली हर किसी का स्किन का कलर अलग होता है, किसी का ब्राउन है, किसी का डार्क ब्राउन है, किसी का ब्लैकिश हो सकता है, तो किसी का वाइट हो सकता है या वाइटिश ब्राउन हो सकता है। तो बहुत सारे कलर वेरिएंट हैं, आप देख सकते हैं कि आपको दुनिया में हर तरह के कलर टोन के लोग मिल जाएंगे। अगर आप देखेंगे कि अमेरिकन या यूरोपियंस को देखेंगे तो उनका कलर वाइटिश होता है, लेकिन वहीं पर अफ्रीकन और निग्रोस को देखेंगे तो उनका ब्लैकिश होता है, वहीं पर इंडिया और पाकिस्तानी लोग थोड़े से ब्राउनिश होते हैं। तो ये होता है रेसिस का कलर, यानी इसको रेसिज्म इसी के आधार पर बनाया गया है कि लोग जो काले रंग और सफ़ेद रंग के ऊपर जो अमेरिका और अफ्रीका में इनमें जो रेसिज्म होता था वो इसी रंग के आधार पर होता है। अपने इंडिया में कलर वेरिएशंस बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर अपने नॉर्थ इंडिया में देखते हैं तो लोगों का रंग थोड़ा ब्राउनिश है, साउथ इंडिया की तरफ जाते हैं तो कलर थोड़ा डार्कर हो जाता है। तो अब आपको इससे एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि जो स्किन का कलर है वो कहीं ना कहीं हम किस एरिया में रहते हैं उस पर जरूर डिपेंड करता है, अपन किस देश में रह रहे हैं उस पर भी डिपेंड कर रहा है। क्यों ऐसा क्यों है कि कलर वेरिएशन जगह के हिसाब से हो रहा है? वो ऐसा इसलिए है कि हमारी जो स्किन का कलर है वो दो चीज़ पर डिपेंड करता है। एक होता है जेनेटिक्स, यानी कि आपका आनुवंशिक गुण कैसे हैं, दूसरा आपका एनवायरनमेंट, यानी कि आप किस एरिया में रहते हैं। तो जेनेटिक्स कौन डिसाइड करता है? जेनेटिक्स डिसाइड करते हैं हमारे मम्मी पापा, यानी कि जिनकी हम संतान हैं, जहाँ से हमें सारे गुण मिल रहे हैं, जो एक्स एंड वाई क्रोमोसोम मिलकर जो बच्चे का एक्स वाई या एक्स एक्स क्रोमोसोम बनता है, जो जेनेटिक्स बनता है, यानी कि 46 एक्सेस या 46 एक्स वाई। तो ये जो जेनेटिक्स होता है इसी के अंदर स्किन के कलर टोन के जीन्स भी होते हैं। तो यानी कि संतान का कलर वैसा ही होगा जैसा कि मम्मी पापा का है, यानी कि 19-20 उसके आजू बाजू होगा, ऐसा नहीं कि डिक्टो मम्मी पापा जैसा ही होगा, बट हाँ डेफिनेटली अगर सांवले मम्मी पापा हैं तो उनका बच्चा 99% सांवले रंग के आसपास ही होगा, या कोई वाइट पीपल हैं, वाइट लोग हैं तो उनके बच्चे वाइट ही होंगे, या जो अफ्रीकन लोग हैं तो उनके बच्चे उनके जैसे ही होंगे। 19-20-21 का फ़र्क हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं हो सकता, क्योंकि जेनेटिक्स बहुत ज़्यादा डिसाइड करती है हम कैसे दिखेंगे, कैसा हमारा स्किन का कलर होगा, कैसा लुक होगा। क्योंकि आप लोग सभी लोग देखते हैं कि मम्मी पापा के ऊपर बच्चे का फेस भी बहुत ज़्यादा मैच करता है, यानी कि या तो मम्मी से मैच करता है या पापा से मैच करता है या दादा दादी से मैच करता है। तो इस तरीके से बच्चे का रंग डिसाइड होने के लिए जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है एनवायरनमेंट, यानी कि बाहरी वातावरण, यानी कि आप कौन से एरिया में रहते हैं, क्योंकि जिस एरिया में आप रहते हैं वहाँ सनलाइट कितनी है उसके ऊपर आपके स्किन का कलर डिपेंड करता है। आपने ये भी देखा होगा कि जब हम बहुत ज़्यादा धूप वाले एरिया में रहते हैं तो हमारा कलर एक शेड डार्कर हो जाता है। वो क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारी स्किन के अंदर मेलानिन नाम का एक प्रोटीन होता है जो स्किन के नीचे की परतों में पाया जाता है, और ये मेलानिन काम क्या करता है, हमें सन के जो यूवी रेज होती है उनसे प्रोटेक्ट करता है। तो जैसे ही सन का एक्सपोजर हमारा बढ़ता है, यानी हम ज़्यादा धूप में रहने लगते हैं, तो ये मेलानिन नीचे की परतों से ऊपर की तरफ मूव करने लगता है और स्किन का कलर डार्कर हो जाता है, ताकि हमें स्किन जो सन की जो रेज हैं, सूर्य की किरणों में जो यूवी रेज हैं, उनसे हमारी चमड़ी को जलने से बचाया जा सके। तो ये एक तरीके का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जो गॉड ने हमें दिया है, हमारी बॉडी के अंदर फिट किया है। ये जो मेलानिन होता है वो सन रेज के यूवी उससे प्रोटेक्ट कर रहा है। तो जैसे ही आप सन में ज़्यादा जाएंगे आपका कलर डार्कर हो जाएगा, जैसे आप इंडोर काम करने लगते हैं, घर के अंदर रहते हैं, या सन से एक्सपोजर कम हो जाता है तो आपका कलर साफ़ हो जाता है, यानी कि लाइटर हो जाता है। इसी तरीके से एरिया वाइज डिपेंड करता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर वाले एरियाज़ होते हैं, जो कि ट्रॉपिकल एरियाज़ होते हैं, जो कि साउथ इंडिया
जो हमारा ट्रॉपिकल एरिया आता है उसमें कलर डार्कर होता है, नॉर्थ इंडिया वालों लोगों में थोड़ा कलर लाइटर होता है। ऐसे ही हमारे साउथ अफ्रीका वाले जो लोग हैं उनमें वो भी ट्रॉपिकल एरियाज़ में काउंट होते हैं, इसलिए उनका रंग डार्कर होता है। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि स्किन का कलर बेसिकली खाने पीने से नहीं डिसाइड होता, हमारी जेनेटिक्स और हमारे एनवायरनमेंट से डिसाइड होता है। अब बहुत सारे मिथ हैं, आप लोगों को बहुत सारे लोग सलाह दे जाते हैं, जैसे ही लेडी प्रेग्नेंट होती है आजू बाजू वाले दादा दादी नाना नानी या मौसी मौसा कोई भी आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके फैमिली हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं या पड़ोसी हो सकते हैं जो आपको सलाह देते हैं। अब सबसे कॉमन जो सलाह दी जाती है प्रेगनेंसी में क्या क्या दी जाती है उस पर हम बात करने जाएंगे। सबसे पहले तो आपको कहा जाएगा कि आप नारियल पानी और नारियल गिरी खाइए, क्योंकि नारियल पानी पीने से और नारियल गिरी खाने से नारियल के जैसा सफ़ेद बच्चा पैदा होगा। आप नारियल खाइए, नारियल का पानी भी पीजिए, डेफिनेटली आपको उसे न्यूट्रिशन मिलेगा, एनर्जी मिलेगी, आपके बच्चे में पानी की कमी नहीं होगी, पोटेशियम मिलेगा, क्रैम्प्स नहीं आएंगे, बहुत सारे फायदे हैं। बट ये मत सोचिए कि आपको नारियल खाने से आपका बच्चा गोरा पैदा होगा, नहीं होगा, वो आपके जेनेटिक्स पर डिपेंड करता है। दूसरा कॉमन जो बोला जाता है कि केसर वाला दूध, केसर वाला दूध पीने से बच्चा गोरा पैदा होगा। कश्मीर के एरियाज़ में जो कि लोग बहुत गोरे हैं वहाँ के, क्योंकि सन एक्सपोजर कम है, हिली एरिया है, एनवायरनमेंट ठंडा है, तो वहाँ का जेनेटिकल कलर ही लाइटर है, वहाँ की ब्रीड्स ही ऐसी हैं, तो डेफिनेटली वहाँ की जेनेटिक्स अलग होने के कारण वहाँ के लोग लाइटर कलर के होते हैं। और डेफिनेटली सेफ्रोन का फ़र्क हो सकता है, बट इतना ज़्यादा नहीं हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कलर में वेरिएशन आए। आप केसर वाला दूध पी सकती हैं लेकिन लिमिटेड मात्रा में, क्योंकि बहुत ज़्यादा केसर बच्चे को नुकसान कर सकती है, इसलिए आपके डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें कि केसर वाला दूध कितनी मात्रा में लें। सुबह शाम एक गिलास दूध सफिशियंट होता है, इसके अलावा ज़्यादा दूध का सेवन ना करें। तीसरा जो कॉमन सलाह दी जाती है कि संतरा खाने से या संतरे का जूस पीने से भी बच्चा गोरा पैदा होता है, बट संतरे का जूस पीने से और संतरा खाने से आपको विटामिन सी मिलेगा, मिनरल्स और कैल्शियम विटामिन्स मिलेंगे, बट डेफिनेटली कलर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चौथा जो सलाह दी जाती है कि अनानास खाने की सलाह दी जाती है, अनानास सफ़ेद होता है और अनानास के अंदर विटामिन सी होता है, अनानास आप खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं, डेफिनेटली अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, आपको एनर्जी भी मिलेगी, आपको उसे विटामिन सी मिलेगा और भी कई तरह के मिनरल्स मिल जाएंगे, बट कलर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा कहा जाता है कि अंडा बहुत ज़्यादा खाना चाहिए, अंडे का जो सफ़ेद वाला पोर्शन है, लोगों ने क्या किया बेसिकली कि जो सफ़ेद जैसी या लाइटर रंग की चीज़ें थी उनको रंग से जोड़ दिया है और उसी को ट्रेडिशन बना लिया और वो ही चीज़ें प्रेगनेंसी में खाने की सलाह देते हैं। अब ये किसी भी प्रकार से मान लीजिए फाइनली तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल ही है कि अगर हम जैसे अनानास खाते हैं, संतरा खाते हैं, दूध पीते हैं, बाकी जैसे अंडा खाते हैं, तो इन सबसे हमारे को न्यूट्रिशन मिल रहा है। अंडा खाने से हमें बहुत सारा प्रोटीन मिल जाएगा, कैल्शियम मिल जाएगा, विटामिन्स मिल जाएंगे, तो ये हमें को फ़ायदा ही देता है। हम जनरली हमारी डाइट में या प्रेग्नेंट लेडीज़ की डाइट में इनको शामिल करने की सलाह ज़रूर देते हैं, बट जनरली इसको किसी कारणवश इनको एक मिथ से बच्चे के रंग से जोड़ दिया गया है जो कि सही नहीं है। अंडा आप डेफिनेटली सुबह शाम एक से दो अंडे खा सकती हैं, आपको एनर्जी भी मिलेगी, प्रोटीन भी मिलेगा, और सफ़ेद और येलो दोनों पार्ट आप खा सकती हैं। इसके अलावा देसी घी खाने की सलाह दी जाती है, तो देसी घी खाने से आपको एनर्जी अच्छी मिलेगी, आपको फैट और विटामिन्स मिलेंगे, बट रंग पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा सौंफ खाने की सलाह दी जाती है, सौंफ का पानी आप बनाकर पीजिए तो आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा और बच्चे की ग्रोथ भी अच्छी होगी। इसके अलावा चुकंदर खाने की भी सलाह दी जाती है, किसी को अंगूर खाने की भी सलाह दी जाती है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें खाने पीने का पैटर्न जोड़ दिया गया है, बट ये सब चीज़ें खाना बहुत ज़रूरी है। ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, फ्रूट्स खाइए, दूध पीजिए, पनीर लीजिए, सब कुछ अच्छे से खाइए, नारियल पीजिए, घी खाइए, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपका बच्चा तंदुरुस्त पैदा होगा और हेल्दी बच्चा पैदा होगा। सब ये सब चीज़ें अगर आप अपनी डाइट में शामिल कर लेंगी तो डेफिनेटली आपको विटामिन ए बी सी डी ई किसी की कमी नहीं रहेगी, प्रोटीन्स आपको मिल जाएंगे, कैल्शियम मैग्नीशियम पोटेशियम आपको मिल जाएगा, आप और आपका बच्चा दोनों हेल्दी रहेंगे, आप भी स्वस्थ रहेंगे, बच्चा तंदुरुस्त पैदा होगा और स्वस्थ पैदा होगा। तो आप खाने पीने पर ध्यान दीजिए, इस चीज़ पर मत ध्यान दीजिए कि आपके बच्चे का रंग कैसा होगा, क्योंकि रंग कहीं भी अपनी इस वर्ल्ड में सक्सेस का कहीं कोई मायने नहीं रखते। आपका बच्चा इंटेलिजेंट हो, स्मार्ट हो, अच्छे से फोकस्ड काम करे तो डेफिनेटली वो कोई भी हाइट्स को छू सकता है, किसी भी हाइट्स तक, किसी भी करियर में, किसी में भी टॉप कर सकता है। रंग से इन सब चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों से बाहर निकलिए और अपने अच्छे प्रेगनेंसी के लिए अपने खाने पीने पर ध्यान दीजिए, अच्छी चीज़ें पढ़िए, वो डेफिनेटली बच्चे को फ़र्क पड़ेगा, अच्छी चीज़ें सुनिए,
ताकि, क्योंकि बच्चा अपने गर्भ में सुनता भी है, समझता भी है, तो आप जैसा पढ़ेंगी, जैसे अपने मन के विचार रखेंगी, डेफिनेटली बच्चे की ग्रोथ पे फ़र्क पड़ेगा। तो अच्छी पॉजिटिव चीज़ें सुनिए, अच्छी मोटिवेशनल बुक्स पढ़िए और अच्छा म्यूज़िक सुनिए। गर्भ संस्कार होता है, गर्भ संस्कार अपने वेदों में भी बताया गया है, वो ज़रूर आप अपने लाइफस्टाइल में शामिल कीजिए। योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए, ताकि स्वस्थ प्रेगनेंसी के साथ स्वस्थ बच्चे को आप और एक इंटेलिजेंट बच्चे को जन्म दे सकें। आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।